इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल से सीबीआई बात करेगी। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई ने पेश होने को कहा है, यानी कि समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को, सीबीआई की पूछताछ में शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा। आपको बता दें कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले की जाँच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुँच गई है। इस पूरे मामले में सीबीआई आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है। उन्हें 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर संजय सिंह, जो कि आपके सांसद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अत्याचार हो रहा है और अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर एक घोटाले को हम खोल कर रखेंगे। जिसने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया उसी को फंसाने की कोशिश केंद्र सरकार यानी कि भाजपा की सरकार करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया से जेल में ईडी ने भी पूछताछ की थी। ईडी ने पूछताछ के बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा गया है। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई ने पेश होने का समन भेजा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, शराब नीति घोटाले में एक के बाद एक लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को पकड़ा जा रहा है और उन्हें समन भी भेजा जा रहा है।